हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एस के इलेक्ट्रिक वर्ल्ड चैनल में। आप देख रहे हैं कि मैं डबल डोर 500 लीटर का सैमसंग का इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का फ्रिज कर रहा हूँ। कृपया दोस्तों, जो हमारी नए दोस्त हैं वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपको न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में हर बार नई नई बातें बताता रहूँ, ताकि आपको रिपेयरिंग में कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे ये वीडियो बनाने के लिए और भी हौसला मिले। और दोस्तों, कस्टमर के घर जाके वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और आपके लिए वीडियो बनानी पड़ती है, और जब आप हमें लाइक करते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला और भी बढ़ जाता है, जिससे कि हम और वीडियो बना सकें। दोस्तों ये मैंने इसका सेंसर निकाला है, इसके एक्चुअली सेंसर में प्रॉब्लम थी, जो कि हर मॉडल का अलग अलग होता है। और ये मैं चेक कर रहा हूँ सेंसर को, हर मॉडल का अलग अलग सेंसर होता है, जिसमें ये दिखा रहा है अभी 6.28, मतलब ये के में वैल्यू बता रहा है इसकी, और जहाँ तक है ये ख़राब है। और मैं इसको रिप्लेस करूँगा, इसकी जगह दूसरा लगाऊँगा जेन्युइन सैमसंग का, मैंने सर्विस सेंटर से मंगवाया था। दोस्तों अगर आपको ऐसी टेक्नोलॉजी को, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी को रिपेयर करना है तो मेरी वीडियो एंड तक देखें, स्किप ना करें। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपसे कुछ ना कुछ छूट सकता है, और जिससे आपको दिक्कत आ सकती है। फिर आप हमसे कमेंट करके, कॉल करके पूछते हैं मेरे दोस्त कि ये कैसे होगा कैसे नहीं, तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहती है सभी से कि मेरी वीडियो स्किप ना करें, पूरी देखें। मैं अब इसकी जगह दूसरा सेंसर लगाऊंगा। कस्टमर की प्रॉब्लम ये थी कि इसमें ऊपर कूलिंग हो रही है बट नीचे कूलिंग नहीं है, और जब मैंने देखा तो जा कर के यही प्रॉब्लम थी, ऊपर कूलिंग थी पर नीचे कूलिंग नहीं थी। और दोस्तों मैं इसके अंदर आपको बता दूँ एक बात नॉलेज के लिए, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंप्रेसर की स्पीड बढ़ जाती है, टेम्परेचर डाउन आता है तो स्पीड भी कम हो जाती है। मैंने पहले भी वीडियो डाली थी, जो इसके अंदर कंप्रेसर लगाया गया है, और जो कंप्रेसर के अंदर मोटर है वो BLDC मोटर है, ब्रशलेस DC मोटर। अब मैं इसका सेंसर चेंज कर रहा हूँ दोस्तों, ये मैंने इसका अब सेंसर डाला। इसके अंदर काफ़ी हार्ड तरीके से चिपका हुआ था सब कुछ, तो इसे खोलने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, जोर न लगाएं क्योंकि टूटने का ख़तरा काफ़ी रहता है। इसके अंदर हल्की सी पतली सी चादर होती है प्लास्टिक की, उसके लिए आप ड्रायर का यूज कर सकते हैं, ड्रायर लेकर जैक को थोड़ा सा गर्म करके वो नरम हो जाएगा, फिर उसको निकालें, ऐसे जोर ना लगाएं कि टूटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। मैंने भी ड्रायर का यूज किया था सबसे पहले। और दोस्तों मैं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा जो मेरी वीडियो देखते हैं, जितने भी डबल डोर हैं सभी के अंदर पानी डाल के बर्फ़ को ना पिघलाएं, क्योंकि इससे पानी कहीं भी लग सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कस्टमर घर बुरा हाल हो जाता है, उससे बचने के लिए एक आसान तरीका है, ड्रायर लीजिए, फ्रिज को बंद कीजिए और ड्रायर से गर्म हवा मारिए थोड़ा दूर दूर से, ताकि वही बर्फ़ पिघल के नीचे चली जाए और कस्टमर को भी दिक्कत ना आए ना आपको। सबसे बड़ी बात, आपका टाइम बर्बाद होता है और कस्टमर का भी। आप कस्टमर को तो छोड़ो, कस्टमर का होगा या नहीं होगा, सबसे बड़ा अपना टाइम बर्बाद होता है। उसके लिए अच्छा यही है कि आप ड्रायर लो सबसे पहले, फ्रिज को बंद करो, ड्रायर मारो, सारी बर्फ़ पिघला के उसके बाद काम करो अच्छे से। और सबसे बड़ी बात, जैक पे ज़रूर थोड़ा हीट मारना, ताकि आपको सेंसर के जैक निकालने में और फैन मोटर का जैक निकालने में आसानी रहे। इसके अंदर सबसे हार्ड जैक होता है फैन मोटर का। दोस्तों इसके अंदर जो फैन मोटर है वो भी BLDC मोटर है। और अब मैं इसका चेक कर रहा था हीटर काम कर रहा है या नहीं। इसके अंदर हीटर भी प्रॉपरली काम कर रहा है, ये कंटिन्यूटी से मैंने चेक किया था हीटर को और देखा तो हीटर इसका ओके था।
मैं आपको बताने वाला था कि जो इसके अंदर फैन मोटर दी गई है वो भी एक्चुअली BLDC मोटर ही है, नॉर्मल मोटर नहीं है दोस्तों। अगर हम चाहें कि उस मोटर को चेंज करें तो हम उस मोटर को चेंज नहीं कर सकते। उसका भी ऐसा सिस्टम है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है कम होता है तो उसकी भी स्पीड अप एंड डाउन होती है, नॉर्मल डबल डोर की तरह नहीं है कि स्पीड एक ही चलेगी, वो भी कूलिंग के हिसाब से स्पीड अप डाउन होती रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर दो सेंसर दिए गए हैं, नीचे का और ऊपर का। मैं आपको बता दूं, अगर आप जब भी इनके सेंसर बदलने की कोशिश करें तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि सभी फ्रिजों में अलग अलग सेंसर होते हैं, अलग अलग वैल्यू होती है, 1K, 10K, 4K, 1M, 2M, 3M। और ये देखिए दोस्तों, मैं जो बता रहा था आपको, ये मोटर है वो BLDC मोटर, इसकी स्पीड कम जाती है और यहाँ से ये ऊपर से नीचे कूलिंग भेजती है। और ये वो जैक है इसका, बहुत हार्ड होता है ये फंसा हुआ, इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। अभी मैं इसे लगा कर बंद कर दूंगा, सेंसर मैंने लगा दिया है। दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को स्किप करने की कोशिश ना करें, अगर कोई चीज़ छूट गई तो आप परेशान हो सकते हैं। मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर दो सेंसर हैं और सभी फ्रिजों के अलग अलग सेंसर होते हैं और सभी की वैल्यू अलग होती है। जो मैं ये देखिए दोस्तों, मैंने अभी खुद ड्रायर का यूज़ किया था, इसके अंदर थोड़ी बर्फ थी उसे हटाने के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी मेरे दोस्त पानी का यूज़ ना करें, ड्रायर का यूज़ करें, ताकि तुम्हारा सबसे बड़ा फ़ायदा हो, टाइम वेस्ट नहीं होता इससे, जल्दी काम हो जाता है और कोई दिक्कत भी नहीं आती है। मैं बता रहा था कि इसके अंदर दो सेंसर होते हैं जो अलग अलग वैल्यू के होते हैं, और इस वैल्यू को पता करने के लिए आपको हर नए फ्रिज के बारे में पता होना चाहिए कि इसके अंदर किस वैल्यू का सेंसर है और इसमें किस वैल्यू का सेंसर है। कई फ्रिजों के तो पीछे जो डायग्राम होता है उस पर लिखा होता है दोस्तों, अगर नहीं लिखा होता तो आपको कंपनियों से टच में रहना पड़ेगा, सर्विस सेंटर वालों से, वो आपको बताएंगे कि कौन सा सेंसर होता है कौन सा नहीं। दोस्तों यू मैंने जो फ्रिज खोला था इसका ऊपर के सेंसर की वैल्यू अलग थी, नीचे के सेंसर की वैल्यू अलग थी, मैंने फट कर दिया ये इशारे भी करके आपको दिखा रहा हूँ मैं। और दोस्तों जो ऊपर वाला सेंसर था उसकी थी वैल्यू, मैं आपको बता देता हूँ, 5K। और जो नीचे वाले की जो वैल्यू, और जो मैंने पुराना निकाला था उसकी 6.23 कुछ वैल्यू आ रही थी, वो ख़राब था, मैंने चेंज किया। और देखते हैं कस्टमर की क्या रिस्पॉन्स आता है, अभी तो मैंने डाला है, कस्टमर कह रहा था मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना के डालूं। मेरे सभी दोस्तों से ये रिक्वेस्ट रहती है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे बड़ी बात वीडियो मेरे दोस्तों एक दूसरे में शेयर कीजिएगा ताकि मैं औरों को भी बता सकूं कि कैसे टेक्नोलॉजी है ये। और फिर दोस्तों इसके अंदर एक ना रबड़ था, ये मैं तो भूल गया आपको बताना, इसके अंदर एक छोटा सा रबड़ था और गोल गोल ये क्या कहते हैं इसे, कैप टाइप, जिससे पानी इसके पीछे जाता है। और ये सबसे बड़ी बात लगाना ज़रूरी है। और इसके अंदर भी एक सेंसर है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ये देखिए ये सेंसर है और इसकी वैल्यू भी अलग है, और जो मैंने ऊपर वाला डाला था दिखाया था आपको उसकी भी वैल्यू अलग थी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात आपको ये पता होना चाहिए कौन सी कंपनी में कितने वैल्यू का सेंसर लगा होता है, अगर ये चीज़ सेम आप नहीं डालेंगे तो जितनी प्रॉब्लम थी उससे बढ़ कर के प्रॉब्लम आएगी हद से ज़्यादा। प्लीज़ दोस्तों, और पुरानी चीज़ों को संभाल कर रखें ताकि आने वाले टाइम में आपको दिक्कत ना आए। मैंने इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी वीडियो डाल रखी हैं, अब मैं ये फिट कर रहा हूँ दोस्तों, ये सारा किया मैंने, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की मैंने काफ़ी वीडियो डाली हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और जो अलग अलग AC होते हैं इन्वर्टर के, उनकी सभी की PCB कार्ड हमारे पास मिल जाते हैं और
फ्रिज के भी हमारे पास पीसीबी कार्ड मिल जाते हैं इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के। और अगर किसी मेरे दोस्त को वॉशिंग मशीन के पीसीबी कार्ड चाहिए तो वो फ्रिज एसी हर प्रकार का हमारे पास पीसीबी कार्ड मिल जाएगा। आप हमें कॉल कीजिए, फोटो भेजिए मेरे व्हाट्सएप पे और मैं आपको पीसीबी कार्ड प्रोवाइड करवा दूंगा। जो कुरियर खर्चा होगा वो आपका होगा, वो आपको बता दी जाएगा। हमारे फ्रेश 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 कार्ड तो मिलते नहीं दोस्तों, हमारे पास जो कार्ड मिलेगा ओके चालू टेस्टेड कार्ड मिलेगा, निकला हुआ कार्ड। दोस्तों इतनी सारी बातें बता दी मैंने आपको, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो ये देखिए कस्टमर आए पूछ रहे थे कि भैया हो गया क्या, तो मैंने इनको बोला हाँ अभी लगा हूँ, टाइम लगेगा थोड़ा करने में। तो कई कस्टमर बहुत अच्छे होते हैं, परेशान नहीं करते, काम करने देते हैं। तो इन्होंने मुझे कोई परेशानी नहीं दी, तो इन्होंने बाकायदा मेरे से तब पूछा जब सारा काम कंप्लीट हो चुका था, और बस इतना पूछ के चले गए थे। तो दोस्तों कस्टमर के सामने वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत आती है, तो एक लाइक तो और सब्सक्राइब तो बनता ही है। कंप्लीट हो चुका है मेरा, फिट हो गया देख रहे हैं आप, और अब मैं से फिट करने वाला हूँ, फिट करके ओके रेडी। तो दोस्तों ये था हमारा इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।